हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू वर्ल्ड स्टूडेंट स्कोप। तो जी हाँ, आ गए हैं हम लेकर हमारा डे 16 ऑफ स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जो हमारा 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स चल रहा है। आज है उसका डे 16। इसके ऑलरेडी हम 15 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक्स सबके मिल जाएंगे, तो आपको वो ज़रूर देख लेनी है। अगर आप इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो वो सारी वीडियोस आपको देख लेनी है, ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है, हमने साउंड करी है पहले, उसके बाद हमने टेंसेस बहुत कुछ करा है, और सारी वीडियोज़ आपको देख लेनी है अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट कर रहे हो। तो आइए चलते हैं हमारे डे 16 के साथ। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे ऐसे कुछ सिचुएशनल वर्ड्स। जैसे हम अब क्या करेंगे, ग्रीटिंग्स, कि जब हम किसी को ग्रीट करते हैं तो कैसे हमने बोलना है, क्या क्या हमने उनसे पूछना है, या क्या हमें बोलना है इंग्लिश में। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं आपका क्या हाल है, नमस्ते, सत श्री अकाल, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये सब इंग्लिश में हमें कैसे बोलना है, क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश कोर्स कर रहे हैं, तो हमें क्या जानना है हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राइट? ओके जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी को भी मिल रहे हो, मान लो आप अपनी फ्रेंड से मिल रहे हो, या स्कूल में फ्रेंड से मिल रहे हो, या टीचर से मिल रहे हो। टीचर से हम इतने इनफॉर्मल बिहेवियर नहीं करते, हेलो एंड ऑल दैट, हमारे इंडिया में तो ये खासकर नहीं चलता। तो हम उनको क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, या जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, 12 PM से पहले के टाइम को हम बोलते हैं मॉर्निंग। तो हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग विश करना है। उसके बाद 12 PM से 4 PM तक हमारी रहती है आफ्टरनून, तो हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून। जिस भी टाइम पीरियड में आपको कोई मिल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, ग्रीट करना है उनको। गुड मॉर्निंग बोलना है, या गुड आफ्टरनून बोलना है, या फिर गुड इवनिंग। मतलब कि 4 PM के बाद से जो टाइम हो जाता है वो हमारा होता है गुड इवनिंग, जब तक हम सोते नहीं हैं, टिल स्लीपिंग। जब मान लो गुड इवनिंग तब बोल रहे हैं, 4 बजे से बाद आपको कोई फ्रेंड मिला है, तब आप क्या बोलोगे, गुड इवनिंग बोलोगे। और जब मान लो आपकी मीटिंग पूरी ख़त्म हो गई है, आप मान लो 8 बजे घर जा रहे हो, वो अपने घर जा रहा है, आप अपने घर जा रहे हो, तो मतलब जब मतलब जब हम ख़त्म करते हैं एक बात कि हम इसके बाद हम बात नहीं करने वाले, तब हम क्या बोलते हैं, गुड नाइट। तो ये हमारी क्या होती है, लास्ट ग्रीटिंग ऑफ द डे। मतलब अब मैं सोने जा रहा हूँ, इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना, तो तब क्या बोलेंगे, गुड नाइट। ओके, तो अगर आपको किसी से पूछना है कि आप कैसे हो, तो आप क्या बोलोगे, हाउ आर यू, कि आप कैसे हो, या फिर आप बोल सकते हो हाउ आर यू डूइंग, कि आप कैसे हो, इसका भी सही मतलब है। तो और क्या बोल सकते हैं हम, व्हाट्सअप। मतलब कि क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। ये है हमारा इनफॉर्मल, ये हम हमारे टीचर से, या हमारे ऑफिस में, हम जहाँ पर हमें फॉर्मली बिहेव करना है वहाँ पर ये वर्ड हम नहीं यूज़ करते हैं। तो ये कैसे, ये जो फ्रेजेज हैं, ये हमारी फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, या फिर जिनके साथ हम इनफॉर्मल रिलेशन में हैं, तो उनके साथ हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो आंसर कैसे करना है, फाइन, या फिर बोल सकते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, तो कि मैं अच्छा हूँ। व्हाट अबाउट यू, अगर किसी ने आपसे पूछा है कि आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि हम भी उस पर्सन से पूछें कि आप कैसे हो। उन्होंने तो पूछ लिया, अपना काम पूरा कर लिया, हमें भी उनसे पूछना है कि आप कैसे हो, तब क्या बोलेंगे, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, कि मैं अच्छा हूँ, आप बताइए, अपने बारे में बताइए कि आप कैसे हैं। ओके, सो ये अगर मान लो आप किसी फॉर्मल जगह पे बोल रहे हो, किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो आप बोलोगे आई एम फाइन, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, तो ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन,
ठीक है जी, इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि जब हम सोने जाते हैं जहाँ जब हम उठते हैं तो हमारी स्मॉल टॉक छोटी मोटी बातचीत होना आम बात है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे कैसे फ्रेजेज हमने यूज़ करनी है। मान लो अभी आप सोने जा रहे हो, बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब आप सोने जा रहे हो तो कौन सी आपको ग्रीटिंग्स देनी है या कौन से आपको स्मॉल टॉक की जो फ्रेजेज होती हैं आप बोलते हो कि गुड नाइट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है गुड नाइट, नेक्स्ट स्लीप वेल मतलब अच्छे से सोना, हैव अ गुड नाइट्स स्लीप, ये दोनों सेम है, ये भी सेम है, मतलब कि स्लीप वेल, हैव अ गुड नाइट्स स्लीप, रात की अच्छी नींद प्राप्त करो, मतलब आपको अच्छी नींद आए, आप ये इसके लिए विश कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, आई होप यू स्लीप वेल, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे से सोओगे, राइट। तो इसके बाद क्या है, सी यू इन द मॉर्निंग, कि मैं तुम्हें सुबह मिलता हूँ, राइट। ओके, तो यही हमारे थोड़े डायलॉग प्रैक्टिस के डायलॉग्स हैं कि कैसे आप किसी को गुड नाइट बोल रहे हो। फर्स्ट पर्सन, पर्सन वन आप हो और पर्सन टू मान लो आपकी कोई फ्रेंड है, बहुत ही केयरिंग फ्रेंड है, ये है आपकी एक केयरिंग फ्रेंड, ठीक है जी। पर्सन टू क्या है, केयरिंग फ्रेंड है, तो आपने क्या बोला गुड नाइट, तो आपकी फ्रेंड क्या बोल रही है, सी यू इन द मॉर्निंग, कि मैं तुम्हें सुबह मिलती हूँ या सुबह मिलता हूँ, गुड नाइट बोल के वो क्या बोलेगी, आई मीट यू इन द मॉर्निंग, सी यू इन द मॉर्निंग, कि मैं तुम्हें सुबह मिलती हूँ। आप क्या बोल रहे हो उसको, कि आई होप यू स्लीप वेल, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे से सोओगे या सोओगी, राइट। तो इसके बाद तो वो जो आपकी बहुत ही केयरिंग फ्रेंड है, दोनों आप आपस में बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, ऐसा बेस्ट फ्रेंड्स में होता तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं कि हमें, मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे से सो, बट फिर भी ये हमारे जो पर्सन टू पर्सन वन है ये बहुत ही आपस में केयरिंग फ्रेंड्स हैं, इनका बहुत ही अच्छा बॉन्ड है। तो अब ये क्या बोल रही है, इसने बोला आई होप यू स्लीप वेल, तो वो आगे से क्या कह रही है, थैंक यू, मेक श्योर यू गेट अ गुड नाइट्स स्लीप एज वेल, मतलब कि शुक्रिया तुमने ऐसा होप करा या ऐसे मेरे लिए विश करी, तो मैं भी चाहती हूँ तुम भी ये मेक श्योर करना कि तुम्हें अच्छी नाइट की स्लीप मिले, रात की अच्छी नींद तुम्हें मिले। एज वेल का मतलब क्या होता है हमारा, ऑल्सो, कि तुम्हें भी अच्छी रात की नींद मिले, राइट। ओके जी, तो नेक्स्ट क्या है, जब आप मॉर्निंग में उठ गए हो, उसके बाद पहले हमारी बात हुई थी कि हम रात को सोने जा रहे हैं या सुबह उठ के हमारी स्मॉल टॉक होना व्यवहारिक है, मतलब कि हम ऐसा करते हैं। तो नेक्स्ट, अब पहले हमने रात की बात कर ली थी कि आप बेड पे जा रहे हो, अभी आप उठ चुके हो, राइट। तो इसके में क्या बोल रहे हैं, आई होप यू हैड अ गुड नाइट्स स्लीप, कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें रात की नींद अच्छी आई होगी, होप, आई होप यू हैड अ गुड नाइट्स स्लीप, हैड लगा दिया है मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। अगर आपने टेंसेस की वीडियो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लो आप, क्योंकि जब तक हमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं पता चलेंगे कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि किस टाइम की बात चल रही है। तो अभी यहाँ पर हैड लग गया है तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, आई होप यू हैड अ गुड नाइट्स स्लीप, कि मुझे आशा है कि तुम अच्छी नींद आई होगी। ओके, डिड यू स्लीप वेल, अब उससे पूछ रहे हैं फ्रेंड से कि क्या तुम अच्छे से सोए, या फिर डिड यू हैव अ गुड नाइट्स स्लीप, ये दोनों सेम ही मीनिंग है कि क्या तुम्हें रात की नींद अच्छी आई। आई स्लेप्ट वेल, अब इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, आई स्लेप्ट वेल, कि मैं अच्छे से सोई या मैं अच्छे से सोया। हाउ अबाउट यू, तुम्हें कैसी नींद आई, राइट। ओके, ये तो हमारी सबसे पहली बात ही होती है, तो ये हम सबसे पहले रखेंगे इसको, कि सबसे पहले हम क्या ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, किसी को भी मिल रहे हैं या मान लो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो क्या हम गुड मॉर्निंग ही कहते हैं पहले, तो उसके बाद ही हमारी सारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है।
ओके, डिड यू स्लीप वेल? वही हमारा पहले हो गया। हाउ डिड यू स्लीप? कि तुम्हें कैसी नींद आई? मान लो अगर आपको अच्छी नींद नहीं आई है, आप क्या बोलोगे? आई डिडंट स्लीप वेल, कि मुझे अच्छी नींद नहीं आई। या फिर अगर आपको अच्छी नींद आई है तो आप क्या बोलोगे? आई स्लेप्ट वेल। हमने स्लेप्ट क्यों लिखा है? ये है हमारी सेकेंड फॉर्म किसकी? स्लीप की। तो हम सिंपल पास्ट में क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या बोलेंगे? आई स्लेप्ट वेल। ओके जी, तो आगे चलते हैं। ओके, तो अब हम करेंगे कुछ वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब नेक्स्ट पर्सन की, किसी ने कुछ अच्छा काम करा है तो उसे हम उसकी प्रशंसा कैसे करते हैं। एप्रिसिएशन का मतलब क्या है? प्रशंसा करना, हम इसे बोलते हैं एप्रिसिएशन। रिपीट आफ्टर मी, एप्रिसिएशन। ओके, तो हम कैसे किसी की प्रशंसा करते हैं, कैसे हमने फ्रेजेस यूज़ करनी है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है? हम बोलेंगे आई अप्रिशिएट यू, मतलब कि मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। नेक्स्ट है यू आर द बेस्ट, कि तुम बेस्ट हो, सबसे अच्छे तुम ही हो। बेस्ट क्या है? हमारी सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब कि तुम सबसे अच्छे हो, सब में से तुम ही एक अच्छे हो। ये क्या है? हमें इसे यू आर नहीं बोलना है, ये है ये बना है यू प्लस आर का कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है, तो हम इसे बोलेंगे यू आर द बेस्ट, राइट। नेक्स्ट है आई अप्रिशिएट फॉर योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारी सराहना करता हूँ। नेक्स्ट थैंक्स फॉर द सपोर्ट, तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट आई वॉन्टेड टू थैंक यू फॉर योर हेल्प, कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहता हूँ, किसके लिए? तुम्हारी हेल्प के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर ऑल यू डू, कि जो भी तुमने करा है, जो भी सारा कुछ तुमने करा है, उसके लिए तुम्हें थैंक्स, मतलब कि तुम्हें धन्यवाद। ओके जी, तो हम कर चुके हैं आज के लेक्चर में जो हमने सारी चीज़ें करी हैं, हमने ग्रीटिंग्स करी हैं, हमने कैसे स्मॉल टॉक करनी है, कब? बिफोर गोइंग टू बेड एंड आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, कैसे हमने स्मॉल टॉक करनी है, कैसे उसके जो फ्रेजेज हैं हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने करे हैं वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन, मतलब कि कैसे किसी को अप्रिशिएट करना है। तो अब है हमारा टाइम हमारे डेली की तरह हमारे कोट का। तो आज का कोट हमारा क्या कह रहा है? विजडम इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग, कि ये क्या कह रहा है? कि जो हमारी बुद्धि है वो हमारी स्कूलिंग का, मतलब हमने स्कूल में जो सीखा है, जो प्लस टू तक हमने जो स्कूल में टाइम व्यतीत करा है, उसका एक प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन बट ऑफ द लाइफ लॉन्ग अटैम्प्ट टू एक्वायर इट, मतलब कि सारी ज़िंदगी जो हम इस पर जो स्कूलिंग हमने करी है उसके जो अटैम्प्ट दे रहे हैं, मतलब हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो है हमारी विजडम, ना कि जो हमने स्कूल में एक बार जो हमारा टाइम चला गया वो नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है? पूरी लाइफ में उसे अटैम्प्ट करते रहना है, हमें उसे प्रैक्टिस करते रहना है। जैसे मैं आपको रोज़ बोलती हूँ कि आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो सब हम कर रहे हैं उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।